में उनके सामने अजय राय थे जो इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। रामदत्त जी, आप सुन रहे थे जो सीट शेयरिंग है, तो आखिरकार 17 सीटों पर बात बनी है कांग्रेस की। 2017 का माहौल था और आज 17 सीटों पर कांग्रेस की बात बनी है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिलन हुआ था तो जमीन पर ज्यादा हलचल नहीं पैदा हुई थी, दोनों को नाकामी मिली थी, दोनों को बहुत निराशा मिली थी। तो इस बार आपको क्या लगता है, अभी जो सीट शेयरिंग हुआ तमाम तरह के आपस में टकराव के बाद, तो ये कैसा मान रहे हैं आप, कैसी शुरुआत है ये इंडिया की यूपी में? देखिए, जो भी शुरुआत तो इसलिए कि बहुत देर से हुई, ढीली ढाली हुई, और इसका अनाउंसमेंट भी अगर सेंट्रल लीडरशिप करते मिलके, जिसमें अखिलेश जी, राहुल गांधी या खड़गे जी होते, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। लेकिन यह है कि आज देश में जो माहौल है उसके चलते बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे, जो इस तरह की पार्टियां हैं, गैर बीजेपी पार्टियां, कि आप लोग एकजुट होके चुनाव लड़िए, और उसी दबाव के चलते इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन फिर काउंटर प्रेशर पड़ा, जानते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज पे या पॉलिटिकल प्रेशर कैसे मैनूवरिंग होती है, तो उसमें थोड़ा ढिलाई आई। थोड़ा ढिलाई इसलिए भी आई, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी हैं वो अब फील्ड की जो अपनी उनके एक अलग तरीका उन्होंने निकाल लिया, मुझे लगता है उसमें उनको बहुत आनंद भी आने लगा है, इस वो संवाद में, सड़क के संवाद में, लोगों से संवाद में आनंद भी आने लगा है, तो वो भी ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी अभी भी चुनाव के लिए अभी भी कम से कम घोषणा होने के लिए 3-4 हफ्ते हैं, 10 मार्च को अगर होती है घोषणा, और उसके बाद पोलिंग में अभी काफी समय है, तो अभी भी अगर चाहें तो माहौल बन सकता है। देखिए, अब इसमें ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक ही गुंजाइश है कि जो लोग किसी कारण से भी बीजेपी को पसंद नहीं करते उनके वोट बिखरे नहीं, और इस लिहाज से कई लोग, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया कि क्या मायावती के साथ आने की, लेकिन मायावती की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि हम नहीं आएंगे। और एक बात चल रही थी जो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, सहारनपुर के, तो वो नगीना से चुनाव लड़ना चाहते हैं और काफी कुछ उन्होंने तय भी किया, लेकिन आज के सीट शेयरिंग में उसका जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि उसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपने कोटे में ले अगर बात बन जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का भी जो काम करने का तरीका रहा वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, मतलब उनका भी एक, तो इसलिए कितनी क्या बात बनती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे, क्योंकि यूपी सारा दारोमदार बीजेपी के सत्ता में वापस लौटने का काफी कुछ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 4 राज्यों पर है। राजस्थान में भी जैसे 25 सीटें जीती थी पिछली बार, अब अगर 25 में 5-10 भी कम हो जाती हैं, यूपी में भी अगर 10 भी बीजेपी की कम हो जाती हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में, इसी तरह बिहार में भी, जाहिर है तो कि जैसी संभावना, एक जैसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बसपा और बाकी आरएलडी के नहीं होने की वजह से वेंटिलेटर पर है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये कॉम्बिनेशन ऐसी स्थिति ला सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में घटे 2019 के मुकाबले? देखिए, ला सकता है। देखिए, जहां तक मायावती का सवाल है, तो देखिए मायावती भी अब स्पेंट फोर्स हैं। ये बात जरूर है कि अगर गठबंधन में होती तो थोड़ा सा वो, जैसे कहते हैं ना कि एक के बगल में अगर जीरो भी लग जाता है, जितने जीरो बढ़ते जाते हैं उतना संख्या का महत्व तो बढ़ता जाता है। लेकिन जयंत चौधरी का मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट है। जयंत चौधरी तो अपने, उनको ये लगता है, मुझे लगता है, एहसास हो गया है कि बीजेपी फिर से पावर में आएगी तो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी और ये अच्छा हुआ मुझे लगता है कि
ये गठबंधन देर से अनाउंस हुआ, क्योंकि एक तो इंडिया गठबंधन में शामिल थे फिर चले गए नीतीश और जयंत चौधरी, इसी तरह अब अगर अब गठबंधन फाइनल होने के बाद जाते तो और भी मतलब मजाक उड़ता, हंसी होती। तो ये है, जाहिर है कि कुछ तो नुकसान होगा ही अपोजिशन का, क्योंकि जयंत चौधरी के जाने से वहां जाट वोट जाट वोट कंसोलिडेट हो जाएगा कुछ कुछ न कुछ हद तक। अब उसको किसान आंदोलन कितना प्रभाव डालेगा वो देखने की बात है। देखिए मेरी समझ ये कहती है कि बसपा के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर एक तरह से नुकसान। कांग्रेस ने तो तब अलग से चुनाव लड़ा था, रायबरेली की सीट कांग्रेस ने जीती थी, सोनिया गांधी की वो सीट है तो, लेकिन 16 सीटों पर विपक्ष आया था पिछली बार, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई थी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यानी कि एक सीट से जो 17 सीटों पर लड़ने का उसको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो कांग्रेस इंप्रूव करेगी? और क्या समाजवादी पार्टी पिछली बार जैसे समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार बसपा नहीं है लेकिन कांग्रेस है, तो कांग्रेस के साथ ज्यादा तालमेल होकर के, बसपा के साथ तो जो भी हुआ उसको हम लोगों ने देखा, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ तालमेल करके समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा गेन कर सकेगी जैसा दावा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कांग्रेस के जो अजय राय ने कहा कि हमारे जो कमांडर हैं, हमारे जो ये हैं जितने भी, उन्होंने कुछ एक ऐसा वर्ड यूज किया उनके लिए, अपने लड़ाकों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, कि वो उनके लिए खड़े रहेंगे, तो ये वोट ट्रांसफर आपको लगता है इजिली कांग्रेस और सपा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा एक दूसरे के लिए? देखिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति दूसरी थी, आज की तरह दयनीय स्थिति नहीं थी, थोड़ा मजबूत थी। फिर उस समय चौधरी अजीत सिंह भी उस गठबंधन में शामिल है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि आजमगढ़ की एक सभा, चुनाव सभा मैंने भी अटेंड किया था, चुनाव प्रचार देखा था, जिसमें अजीत सिंह, मायावती और अखिलेश यादव थे, तो उन तीनों का मतलब फायदा मिला था। चौधरी अजीत सिंह को भले सीट नहीं मिली लेकिन कुछ उसका फायदा मिला था। जो सबसे बड़ा देखिए फायदा है वो ये है कि माइनॉरिटीज के वोट न बिखरे। अब ये इसमें देखना ये होगा कि और इस समय माइनॉरिटीज काफी काफी कुछ जो है वो कांग्रेस की तरफ मन से झुकाव है उसका, मतलब और बहुजन समाज पार्टी से तो काफी वो मतलब मायूस है, और धीरे धीरे उसको समाजवादी पार्टी से भी कुछ कारणों से, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें उसमें खुल के समाजवादी पार्टी को जो स्टैंड लेना चाहिए ऐसा उन लोगों का कहना है, या जो संघर्ष करना चाहिए सड़क पे, वो नहीं कर पा रही। तो माइनॉरिटीज का प्लस देखिए राहुल गांधी के जो अभियान से हो सकता है कि जो यूथ है, वन टाइम जो फर्स्ट टाइम वोटर है, यूथ है, ये सब अगर झुकता है तो डेफिनेटली कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब डिपेंड करता है कि कौन सी सीटें कांग्रेस में उम्मीदवार किसको खड़ा करते हैं। अब जैसे वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने अपना डिक्लेयर किया था वो बदल लेंगे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दे? तो आप 17 में से एक तो वैसे ही माइनस कर दीजिए, 16 हो गई। तो इस लिहाज से ये डिपेंड करता है कि भाई कैंडिडेट, प्रयागराज है, बहुत सारी सीटें हैं, तो अब उनमें कैंडिडेट कांग्रेस कहां से मजबूत लाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट कैसे उतारे जाएंगे, किस तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार किस तरह के होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार किस तरह के होंगे, और मुद्दे किस तरह से, इन किन मुद्दों को लेकर ये लोग मैदान में जाएंगे, और इनके नेता किस तरह का अभियान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे, किस तरह का सवाल लेकर पहुंचेंगे, तो ये बहुत मायने रखेगा। मुझे लगता है कि हमें एक सवाल और जनता के मन में चल रहा है। आपने जो बात की उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए मुद्दों के आधार पर वोट देने वालों का प्रतिशत अपने खास करके यूपी बिहार में बहुत कम है, ज्यादा बड़ा प्रतिशत है ये धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज भी बहुत एकजुट है,
जाहिर है कि बीजेपी के खिलाफ, तो उसका रिएक्शन हिंदुओं में भी एक सर्टेन है, वो कहते हैं साहब ये उधर है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, या ये इधर है, बहरहाल एक दूसरे का रिएक्शन है। उसी को तोड़ने के लिए, जो धार्मिक पोलराइजेशन को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस बात पे लगे हुए हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण तबके के गरीब, उन सबको का मुद्दा उठा रहे हैं। तो अब देखना यही है कि धार्मिक पोलराइजेशन को कितना काउंटर कर पाते हैं ये सामाजिक न्याय से। सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, या बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, धार्मिक संभाव का जो मुद्दा है, सामाजिक शांति का जो मुद्दा, ये कितना हावी हो पाते हैं। क्योंकि अभी अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है और पूरे देश से वो ले जा रहे हैं सब, अपने हर पोलिंग बूथ से कम दो लोगों को ले जा रहे हैं, बसों में ले जा रहे हैं, सारी सरकारें आ रही हैं। तो बीजेपी ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन वाला मुद्दा है उसको कितना न्यूट्रलाइज कर पाते हैं सोशल जस्टिस या जाति जनगणना के मुद्दे से, उस पर काफी फर्क पड़ेगा चुनाव के नतीजे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, राहुल गांधी जातीय जनगणना पर बहुत जोर दे रहे हैं अपने तमाम, जो उत्तर प्रदेश में वो लगातार जब अभी यात्रा कर रहे हैं तो इसका सवाल उठा रहे हैं, यूथ का सवाल बार बार उठा रहे हैं। और देखिए सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट जब किया गया उसमें अविनाश पांडे ने नहीं उन्होंने अजय राय ने एक इशू उठाया पेपर रद्द करने का, कि वो कांग्रेस की ओर से वो मांग कर रहे थे कि पेपर रद्द करने का मामला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यूथ का जो मुद्दा है, अगर यूथ के मुद्दे को लेकर वो आगे आएंगे तो शायद यूथ का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी के सवाल पर, जो सरकारी नौकरियों में जिस तरह से लगातार नियुक्तियों में जिस तरह से बाधाएं आ रही हैं, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, इसको लेकर जो असंतोष है, इस असंतोष को वो भुनाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि उनको। लेकिन उम्मीदवार, आपने सही कहा कि जो उम्मीदवार उनका पीडीए से होगा, या जो कह रहे हैं अखिलेश, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ों की वकालत कर रहे हैं, तो वो कितने पिछड़े उम्मीदवार दे पाते हैं, वो कितने यंग उम्मीदवार दे पाते हैं, नए उम्मीदवार दे पाते हैं जो जोश खरोश के साथ कांग्रेस का झंडा आगे लेकर चलने के लिए, या वो पुराने जो रटे रटाए जो उनके अपने थे कि फर्रुखाबाद है तो वो सलमान खुर्शीद ही लड़ेंगे, रायबरेली है तो रायबरेली में तो खैर उनको एक नया चेहरा मिलने जा रहा है, वहां से उम्मीद है कि प्रियंका गांधी आएंगी। तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये लोग फ्रेश चेहरा देगा, कोई नई उम्मीद जगाएगा, और जैसा बताया गया कि छोटे दलों को भी एकोमोडेट करेंगे, समाजवादी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, जैसे आजाद समाज पार्टी या पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, या और भी छोटे दल जो बचे हुए हैं इनके साथ अभी भी, तो उनको अगर ये एडजस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव थोड़ा सा प्रभावकारी हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी आई थी उसमें अगर थोड़ी सी भी सेंधमारी कर लेंगे तो केंद्र में वो जो इस सरकार को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से एक ऐसा माहौल बना सकते हैं। देखिए इस गठबंधन से मुझे लगता है कुछ तो मुश्किलें आएंगी बीजेपी को, कितनी आएंगी इसके लिए हमें अभी थोड़ा 2-3 हफ्ते का देखना पड़ेगा कि कैसी केमिस्ट्री बनती है। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ घूमते हैं, कहीं रैलियां आगे चल के करते हैं, तो उसका रिस्पांस कैसा मिलता है जनता से, उससे समझ में आएगा कि भाई ये क्या केमिस्ट्री बन रही है। अच्छा, एक जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। ये जो गठबंधन हुआ तो इसमें शुरू में तनातनी ऐसा लग रहा था जैसे कि अखिलेश भी झुकना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस भी झुकना नहीं चाहती है, तो आखिरकार कौन झुका होगा, ज्यादा कौन झुका होगा जिसकी वजह से आज ये गठबंधन हम लोग के सामने आ गया, राहुल झुके कि अखिलेश झुके 17 सीटों? मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग की बात है। देखिए अखिलेश यादव के लिए ज्यादा स्टेक पे हैं चीजें, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है, उनका जो लक्ष्य है वो प्राइम मिनिस्टर फिलहाल नहीं है, चीफ मिनिस्टर वाला है। तो उनको देखना है कि अगर वो ज्यादा सीटें दे देते हैं तो उतनी विधानसभा सीटों पे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, क्या करेगा, बूथ उनका जो खाली रह जाएंगे। देखिए कांग्रेस का नुकसान ही इसी में हुआ था कि 96 में उन्होंने 100 सीटें लड़ी और 300 सीटें विधानसभा की मायावती को दे दी थी, तो वो 300 सीटों पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता और बूथ वर्कर वो सब इधर उधर चला गया।
अखिलेश यादव की प्राथमिकता ये है कि भाई उनका जो नेटवर्क है बूथ लेवल के जो चुनाव मशीनरी है वो इंटैक्ट रहे अधिक से अधिक। राहुल गांधी का ये है कि भाई एकदम से इररिलेवेंट न हो जाए तमिलनाडु की तरह, तो ये है। और ये तो एक बार्गेनिंग है, हालांकि बार्गेनिंग में देर लगी और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें हम लोग मीडिया भी सुबह शाम जो कि इसमें अटकले लगाते रहते हैं, तो ये लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जो है वो समझौता होने वाला है, कोई अंतरराष्ट्रीय जो बड़ा डिले हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, ये दो पार्टियों के बीच में, और दोनों पार्टियों का देखिए सोशल बेस भी अलग है। राहुल अखिलेश यादव को ये भी चिंता होगी कि राहुल गांधी जो है अल्टीमेटली उन्हीं के सोशल बेस में घुस रहे हैं इस समय। तो बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, अंदर से उनको क्या डर है, बाहर से क्या डर है, ये भी है। तो अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि यूपी में जो माइनॉरिटीज का जो स्पेस है और प्रो माइनॉरिटी जो पॉलिटिक्स का स्पेस है वो वापस कांग्रेस को चला जाए, या ओबीसी का जो स्पेस है सोशल जस्टिस का वो वापस कांग्रेस को चला जाए। तो इसलिए देर तो लगती है, देर तो जी लगती है। बिल्कुल, इस तरह के गठबंधन के साइड इफेक्ट भी होते हैं और नेता लोग और पार्टियां जो है उस लाइन पे भी सोचती हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि दोनों ही दलों को आगे विधानसभा का चुनाव भी देखना है। 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रहेगी, इसकी कितनी संभावनाएं बचेंगी, कितनी संभावनाएं बनेंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सबको ये चिंता रहती है, सभी दलों को और सभी दलों के मुखिया को ये चिंता जरूर रहती है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे नहीं, उनके कार्यकर्ता जिन क्षेत्रों में दूसरे उनके साथी गठबंधन को साथी दल को सीटें दे दी गई है वहां पर वो अपना जोश बनाए रखें, वहां पर अपनी जमीन बनाए रखें, ये बड़ा सवाल होता है सभी के लिए। और ये सवाल कांग्रेस के मन में भी होगा, जो जिसको ऐसा लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पहले के मुकाबले थोड़ी मजबूत हो रही है, हालांकि अभी विधानसभा में वो काफी कमजोर है, लेकिन विधानसभा में जिसकी स्थिति मजबूत है, अखिलेश यादव जो इस वक्त विपक्ष के नेता के तौर पर विपक्षी दल के तौर पर मजबूत है, उनकी चिंता ये है कि अगली बार वो ज्यादा सीटों के साथ प्रदेश में सत्ता में वापसी करें, उस चिंता के साथ जुड़े हुए होंगे। और निश्चित रूप से उन सारी चिंताएं इस गठबंधन के पीछे, लेकिन जो खटास आई इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव ने जिस तरह के इस पूरे माहौल में जिस तरह का एक बयान दे दिया था वो बयान याद नहीं आएगा लोगों को चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी उनके उस बयान का इस्तेमाल नहीं करेगी कि आप जो है यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और तब तक शामिल नहीं हुए जब तक ये तय सीटें तय नहीं हो गई, और आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब से ये सवाल आया और एश्योरेंस ये आया है कि आगे जब बुंदेलखंड में उनकी यात्रा राहुल की यात्रा बढ़ेगी तब शायद अखिलेश यादव समय निकालेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जब दोनों नेता एक साथ मिलते हैं। एक चीज है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जो कमलनाथ ने कहा था अखिलेश और एक भी सीट देने को मना कर दिया था अखिलेश को, तो अखिलेश ने खजुराहो की लोकसभा सीट ले ली है फिलहाल मध्य प्रदेश में। तो देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा। हम तो एक कह सकते हैं कि राजनीति जो जमीन पर जिस तरह की राजनीति चलती है उसके एक विद्यार्थी के तौर पर इन चीजों को देखते समझते हैं और उसी आधार पर हम बात भी करते हैं, तो हमारे लिए दिलचस्प होगा कि 2017 के बाद शायद एक ही गाड़ी पर जैसे पल्लवी पटेल और राहुल गांधी दिखाई दिए थे वैसे ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाई देंगे बुंदेलखंड के इलाके में एक गाड़ी पर, जिस तरह की तस्वीर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी की आई थी उत्तर प्रदेश में वैसी तस्वीर आएगी, और तब क्या माहौल बनेगा, तब उनके कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे समझेंगे और उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। रामदत्त जी, आपने बहुत इस चर्चा को समृद्ध बनाया और आपने बताया, चूंकि आपने तो पता नहीं कितने चुनाव उत्तर प्रदेश के देखे हैं, मैं तो 2010 के बाद से उत्तर प्रदेश के चुनाव को फॉलो कर रहा हूं और इसलिए मुझे थोड़ा उत्तर प्रदेश पर मैं बाहर से देखता रहा हूं, दिल्ली से देखता रहा हूं उत्तर प्रदेश को, लेकिन अब उत्तर प्रदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश को जितना समझा है उसके हिसाब से मुझे ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प लग रहा है और लग रहा है कि आगे भी इस तरह की दिलचस्प रिपोर्ट हम लोग कर पाएंगे, इस तरह का दिलचस्प विश्लेषण अपने दर्शकों के लिए कर पाएंगे। और जो दर्शक अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच में हो, जो स्वस्थ चर्चा होती है। देखिए हम लोग चर्चा करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इससे किसका नफा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है,
इससे जनता का क्या फर्क पड़ता है, इसके इस आधार पर हम इसका आकलन करते हैं और हम ऐसे ही आकलन आपके सामने लेकर आएंगे। इसी तरह के सवाल, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे आगे। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।